हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से श्री बालाजी एजुकेशन ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। वेलकम आप सभी का। श्री बालाजी नर्सिंग एंड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट मौलासर नागौर में आप सभी का स्वागत है। यहाँ से आप ANM, JNM, डी फार्मा और अगर आपके नीट में नंबर कम आ रहे हैं तो MBBS विदेश से कर सकते हैं, और कोई कंप्यूटर कोर्स करना है और भी कोर्स करने हैं तो आप राजेंद्र रेवाड़ी से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे, उससे पहले थॉट ऑफ द डे। आज की थॉट ऑफ द डे है कि शिक्षा ऐसा वर्ष है जो दिल में उगता है, जो दिल में उगता है और दिमाग में पलता है, जो दिल में उगता है और दिमाग में पलता है और जुबान से फल देता है। जुबान से क्या देगा? फल देगा। तो शिक्षा ये वर्ष की तरह है, पेड़ की तरह है, जो दिल से उगता है और दिमाग में पलता है और उसके बाद में जो फल मिलेंगे जुबान से वो अच्छे मिलेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि हमें शिक्षा ज़्यादा से ज़्यादा लेनी चाहिए वर्ष की तरह, जिससे क्या हमारा दिमाग क्या रहेगा, दिमाग और दिल दोनों क्या है अच्छे रहेंगे और जो जुबान से जो वर्ड निकलेंगे, जो ज्ञान निकलेगा वो फल की तरह निकलेगा। तो आज का टॉपिक है सिनुसाइटिस क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में। साइनसाइटिस क्या है इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। साइनसाइटिस क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज की क्लास में। साइनसाइटिस क्या है, ये क्या होता है? सबसे पहले मैं एक डायग्राम में बता देता हूँ कि साइनस कहाँ होते हैं। एग्जैक्टली साइनस जो है, ये साइनस की पिक्चर है। अपनी बॉडी में साइनस कहाँ होते हैं? तो साइनसाइटिस क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे अपन। साइनसाइटिस तो ये हेल्दी पर्सन के साइनस है। बॉडी के अंदर साइनस कहाँ होते हैं? तो ये हेल्दी पर्सन के साइनस है। सबसे पहला है फ्रंटल साइनस, यहाँ पे है ना, यहाँ पे फ्रंटल साइनस होता है, फ्रंटल साइनस। उसके बाद में ये जो है ये साइनस है, ये कौन सा है? फ्रंटल साइनस है। उसके बाद में स्पेनोइड साइनस, ये जो नोज आँख के जो इधर होता है ये स्पेनोइड। उसके बाद में इथोमोइड साइनस, ये थोड़ा सा नीचे इथोमोइड साइनस। और ये होते हैं नेजल सेप्टम। और यहाँ पे होते हैं ये जो है मैक्सिलरी साइनस। तो फ्रंटल साइनस, स्फेरॉइड साइनस, इथियोमोइड साइनस और मैक्सिलरी साइनस, ये साइनस होते हैं। ये क्या करते हैं? कैविटी है, ये अपनी बॉडी में कैविटी है। कैविटी ये क्या होती है? कैविटी होती है। तो ये कैविटीज हैं। और यहाँ पे अगर इन्फ्लामेशन हो जाए, इन साइनस कैविटी में अगर इन्फ्लामेशन हो जाए तो साइनसाइटिस कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? साइनसाइटिस कहलाता है। एक्सेसिव म्यूकस, इसके अंदर अगर म्यूकस है वो एक्सेसिव मात्रा में होने लग जाए और वहाँ एक्सेसिव म्यूकस, तो अगर साइनस में इन्फेक्शन हो जाता है तो म्यूकस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और इसमें अगर इन्फेक्शन हो जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसे कहते हैं साइनसाइटिस कहते हैं। तो वापस हम डेफिनेशन में चलते हैं।
तो साइनसाइटिस इज कंडीशन इन विच द टिश्यू लाइनिंग ऑफ द साइनस बिकम इन्फ्लाम और सोलो। अभी मैंने बताया था कि साइनस कहाँ पे होते हैं, साइनस होते हैं फ्रंटल, थायमॉइड, मैक्सिलरी, तो वहाँ पे क्या हो जाए, तो एक ऐसी कंडीशन है इन विच द टिश्यू लाइनिंग ऑफ द साइनस बिकम इन्फ्लाम, या वहाँ पे इन्फ्लाम हो जाता है या वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, वहाँ पे या तो इन्फ्लामेशन हो जाएगा या फिर वहाँ पे स्वेलिंग आ जाएगी, तो वो क्या कहलाएगा, साइनसाइटिस कहलाएगा। तो वो कंडीशन कहलाती है साइनसाइटिस कहलाती है। उसके बाद में तो साइनस, द साइनस आर द फोर पेयर कैविटीज। अभी मैंने बताया था चार कैविटीज होती है साइनस के अंदर, डायग्राम के अंदर जो बताया था मैंने, चार कैविटी होती है। क्या होती है, चार पेयर में होती है कैविटी, स्पेस होती है, गुहाएं होती है, मतलब खाली जो कैविटी है वो होती है चार पेयर में। कितने में होती है, चार में, इन द स्कल, वो स्कल में। तो विच आर लिंक बाय द नेटवर्क ऑफ नैरो चैनल, और वो आपस में क्या होती है, लिंक रहती है, आपस में जुड़ी रहती है चैनल के तौर पे। द साइनस प्रोड्यूस द थिन म्यूकस, और ये साइनस क्या करते हैं, पतला म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं, थिन म्यूकस है ना, थिन म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं। द ड्रेन वाय द नोज चैनल, और किसके द्वारा, नाक के द्वारा, नोज के द्वारा ये पतला म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं। ये साइनस क्या करते हैं, नोज के द्वारा पतला म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं, वहां से म्यूकस निकलता है। दिस ड्रेनेज कीप द नोज क्लीन, और ये ड्रेनेज क्या रहता है, ये जो ड्रेनेज निकलता है, ये नाक से जो ड्रेनेज निकलता है, ये नाक को क्या रखता है, क्लीन रखता है, साफ रखता है। जो पतला ड्रेनेज निकलता है वो नाक को क्या कर रखता है, नोज को क्लीन रखता है, और बैक्टीरिया से फ्री रखता है, उसमें कोई भी बैक्टीरियल यानी जो जीवाणु का इन्फेक्शन है, जीवाणु का इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया का जो इन्फेक्शन है वो नहीं होने देता, से भी खत्म कर देता है। द साइनस विच आर नॉर्मली फील विद एयर, और ये किससे भरे होते हैं, साइनस किससे भरे होते हैं, एयर से, फील विद एयर, वो एयर से भरे होते हैं। कैन बिकम ऑब्स्टेक्स, अगर ये ऑब्स्टेक्स हो जाए, इनमें कोई रुकावट आ जाए, तो फील विद फ्लूड, और वो किससे भर जाते हैं, फ्लूड से भर जाते हैं। तो साइनस के अंदर एयर भरी रहती है, लेकिन अगर कोई उनके अंदर ऑब्स्टेक्शन आ जाए, रुकावट आ जाए, तो उसके कारण क्या हो जाता है, उनके अंदर क्या हो जाता है, फ्लूड भर जाता है, फ्लूड जमा हो जाता है। द बैक्टीरिया कैन बी प्रोफाइलेट एंड कॉज एन इन्फेक्शन, तो बैक्टीरिया क्या करेगा, बैक्टीरिया कर देगा इन्फेक्शन कर देगा, और उस बैक्टीरियल, उसे क्या कहेंगे, बैक्टीरियल सिनुसाइटिस, और जो बैक्टीरिया है वो वहां पे क्या कर देगा, इन्फेक्शन कर देगा, तो उसे बैक्टीरियल सिनुसाइटिस कहेंगे। इफ दिस हैपन, अगर ये होता है, अगर कोई बैक्टीरिया इन्फेक्शन कर देता है तो उसे बैक्टीरियल सिनुसाइटिस कहते हैं। तो ये है साइनसाइटिस, किसे कहते हैं, साइनसाइटिस। तो साइनस के अंदर क्या हो जाना, इन्फ्लामेशन हो जाना या फिर सोलो हो जाना, इन्फ्लाम हो जाना, ये कहलाता है साइनसाइटिस कहलाता है। अभी जो डायग्राम में मैंने बताया था, ये साइनस है नॉर्मल, अभी जो मैंने लैंग्वेज में बताया कि चार क्या होती है, कैविटी होती है, एक तो कैविटी होती है ये वाली, इसको बोलते हैं फ्रंटल साइनस, उसके बाद में स्फेरॉइड साइनस, उसके बाद में इथेमोइड साइनस, और ये होता है मैक्सिलरी साइनस, और ये होते हैं नेजल सेप्टम, ये दो जो है नेजल सेप्टम। अगर यहाँ पे इन्फ्लाम हो जाए, लाइनिंग में इन्फ्लामेशन हो जाए, तो एक्सेसिव म्यूकस वगैरह निकलने लगेगा, वो साइनस का इन्फ्लामेशन कहलाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। और डायग्राम में देख लेते हैं एक बार, दूसरे डायग्राम में देख लेते हैं। ये देखो हेल्दी के साइनस है फ्रंटल साइनस,
एक्सपोनेंट साइनस, इथियोमोड साइनस, एक्सिलरी साइनस, ये चार साइनस है ना, ये इसका जो है वो ऐसे होता है, ड्रेनेज सिस्टम जो है ऐसे होता है। ये कैविटीज हैं, गुफाएं हैं, यहाँ पे क्या हो गया, अगर इन्फ्लामेशन हो गया तो यहाँ पे एक्सेसिव म्यूकस हो जाएगा, इन्फेक्शन के कारण म्यूकस इकट्ठा होने लग जाएगा और वो क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, लाइनिंग को इन्फ्लामेशन कहते हैं। साइनसाइटिस इज आल्सो नोन एज साइनस इन्फेक्शन, इसको साइनस इन्फेक्शन भी बोल सकते हैं और राइनोसाइटिस भी बोल सकते हैं। इन्फ्लामेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन द लाइनिंग ऑफ द साइनस, इसके अंदर क्या हो सकता है, हेडेक हो सकता है, फीवर हो सकता है, फेशियल पेन हो सकता है, फेस का पेन हो सकता है और प्लग नोज हो सकते हैं और नेजल म्यूकस, नाक से पानी निकलना, बार बार से म्यूकस निकलना, ये कंडीशन साइनसाइटिस के अंदर होती है। ये कंडीशन किसके अंदर होती है, साइनसाइटिस के अंदर होती है। तो आपने देखा कि साइनस के अंदर क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो ये चार कैविटीज है, इनके अंदर इन्फ्लामेशन होने के कारण यहाँ से क्या हो जाए, एक्सेसिव म्यूकस का ड्रेनेज होगा और वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब है इसके टाइप, कितने टाइप के होते हैं, टाइप मतलब प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला है एक्यूट साइनोसाइटिस। एक्यूट साइनोसाइटिस क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे अपन। एक्यूट साइनोसाइटिस द कोल्ड लाइक सिम्टम, इसमें क्या होते हैं, कोल्ड लाइक सिम्टम आते हैं, जो जुखाम के जैसे सिम्टम आने लग जाते हैं, कोल्ड लाइक सिम्टम आते हैं, लाइक रनिंग नोज है ना, और रनिंग नोज या स्टफी नोज, इसके अंदर क्या हो जाता है, जुखाम, सर्दी जुखाम जैसे सिम्टम आएंगे, नाक का बहना या नाक का बंद हो जाना, स्टफी नोज, नाक का बंद हो जाना, और रनिंग का मतलब बहना, नाक का बहना, तो ऐसे सिम्टम देखने को मिलेंगे। जुखाम, कोल्ड मतलब जुखाम, और फेस पेन, इसके अंदर क्या हो सकता है, फेस का पेन हो सकता है, चेहरे में पेन होगा, आर कॉमन इन दिस टाइप, इस टाइप के अंदर क्या होगा, जुखाम जैसे सिम्टम आएंगे, रनिंग नोज या नाक बंद हो जाएगा, और फेशियल पेन हो सकता है, फेस का पेन हो सकता है। तो ये एक्यूट कंडीशन है, ये वाली कंडीशन क्या कहलाती है, एक्यूट कंडीशन कहलाती है। सिम्टम ऑफ ए वायरल इन्फेक्शन, ये सिम्टम ऑफ द वायरल इन्फेक्शन कॉज बाय ए नॉर्मल कोल्ड माइट प्रसिस्ट फॉर 1 to 2 weeks, इसके अंदर कितने लगते हैं, वायरल इन्फेक्शन के अंदर ये 1 to 2 weeks तक रहता है, 1 to 2 weeks मतलब 1 to 2 सप्ताह तक रहता है। एक्यूट साइनसाइटिस कैन बी कंटिन्यू फॉर 28 days, ये कितने दिनों तक रह सकता है, 28 दिन तक रह सकता है, इफ़ कॉज बाई द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, अगर वायरल हुआ है, वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो कम से कम 1 to 2 weeks तक रहेगा, और अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है तो वो 28 दिन तक रह सकता है, कितने दिन तक रह सकता है, 28 दिन तक रह सकता है, अगर वायरल हुआ है तो 1 to 2 weeks तक, और अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है तो 28 दिन तक इसका रह सकते हैं, सिम्टम रह सकते हैं। इसके जो ये सिम्टम बताए थे मैंने, ये रनिंग नोज, ये वाले सिम्टम बताए थे, फेशियल पेन वगैरह, ये रह सकते हैं, ये हो गया एक्यूट टाइप। अब है दूसरा सब एक्यूट टाइप, सब एक्यूट, दूसरा है सब एक्यूट साइनोसाइटिस, साइनोसाइटिस, सब एक्यूट साइनोसाइटिस। तो इट इज सिम्टम में लास्ट अप फॉर 3 months, इसके अंदर कितने सिम्टम आते हैं, 3 months तक ये सिम्टम आते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन और सीजनल एलर्जिक आर मेजर कॉज बाय दिस कंडीशन, इसके अंदर जो ये कंडीशन है ये मेजर मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होती है, सबसे मोस्ट कॉमन कारण है बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाना, और सीजनल एलर्जी, सीजन के अकॉर्डिंग एलर्जी हो जाती है, पेशेंट को एलर्जी रहती है, तो ये मेन कारण रहते हैं सब एक्यूट साइनोसाइटिस के अंदर, ये कम से कम 3 महीने तक। अब है क्रोनिक साइनोसाइटिस, क्रोनिक क्या होता है, तो इट सिम्टम मे बी लास्ट फॉर मोर देन 3 months, इसके अंदर जो सिम्टम्स है इसके अंदर तो सिर्फ 3 महीने तक रह रहे थे, और एक्यूट के अंदर सिर्फ 1 महीने तक, लगभग लगभग इसमें 3 महीने, और इसमें 3 महीने से ज्यादा,
तीन महीने से ज्यादा हो जाते हैं। द सिम्टम में भी लास्ट फॉर थ्री मोर देन थ्री मंथ्स, मोर देन थ्री मंथ, तीन महीने से ज्यादा। दे आर यूजुअली माइल्डर, दे आर यूजुअली माइल्डर, ये थोड़े हल्के होते हैं, ठीक है, ये थोड़े। क्रोनिक साइनसाइटिस इज फ्रीक्वेंटली एसोसिएट विद द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एलर्जिक और स्ट्रक्चरल नेजल एबनॉर्मलिटीज। इसके जो हैं रीजन क्या क्या हो सकते हैं, इसके जो इन्फेक्शन के रीजन है, क्रोनिक साइनसाइटिस के रीजन है, तो वो फ्रीक्वेंट एसोसिएट विद द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सबसे जो मेन कारण है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर एलर्जी के कारण हो सकता है, कोई भी एलर्जी के कारण हो सकता है, या स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हो, संरचना की प्रॉब्लम हो, जैसे नेजल एबनॉर्मलिटीज हो, नेजल एबनॉर्मलिटीज हो, नाक में कोई एबनॉर्मलिटी हो, तो वो एक रीजन हो सकता है। तो इसके अंदर क्रोनिक के अंदर तीन कारण हो गए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एलर्जिक इन्फेक्शन, और अगर नेजल एबनॉर्मलिटीज हो तो उसके कारण हो सकता है। अब हो गया फोर्थ नंबर, पढ़ते हैं रिकरंट साइनसाइटिस। रिकरंट साइनसाइटिस क्या होता है, तो रिकरंट के अंदर पढ़ते हैं अपन रिकरंट, तो इट अकर फोर एंड मोर टाइम्स, ये कब हो सकता है, ये चार या मोर टाइम्स, फोर या मोर टाइम्स इन वन ईयर, एक साल में कम से कम चार और इससे ज्यादा भी हो सकता है एक साल के अंदर। तो लास्ट फॉर लेस देन टू वीक्स ईच टाइम्स, और वो कितने टाइम रहता है, दो वीक, कम से कम दो वीक तक रहता है, तो वो क्या कहलाता है, रिकरंट साइनसाइटिस कहलाता है, वो क्या कहलाता है, रिकरंट साइनसाइटिस कहलाता है। ये तो हो गए चार टाइप के साइनसाइटिस, सबसे पहला था एक्यूट, सब एक्यूट और क्रॉनिक और रिकरंट। तो एक्यूट के अंदर क्या होते हैं, जुखाम जैसे सिम्टम आते हैं, नाक बहती है, ब्लॉक हो सकता है, फेशियल पेन हो सकता है, और कितने दिनों तक रह सकता है, वो लगभग अगर बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन है तो वो दो वीक तक रहेगा, एक से दो वीक तक, और अगर बैक्टीरियल है तो 28 दिन तक रहेगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट है सब एक्यूट, नेक्स्ट क्या होता है, सब एक्यूट। सब एक्यूट के अंदर क्या होता है, सब एक्यूट के अंदर कम से कम तीन महीने तक रहता है, और क्रोनिक तीन महीने से ज़्यादा रहता है, और रिकरंट एक साल में कम से कम कितनी बार, चार बार हो जाए, उससे ज़्यादा बार हो जाए, तो वो रिकरंट कहलाता है, ठीक है। तो ये हो गए चार टाइप के। अब है इसके कारण क्या हो सकते हैं, कारण किस वजह से ये जो है, किस वजह से इसके क्या कारण है जो ये इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन हो जाता है, किस कारण से ये हो जाता है, कारण क्या है, कारण क्या है इसका। तो साइनसाइटिस इज कॉज बाय ए वायरस, किससे कॉज कर सकता है, वायरस से, ठीक है। सबसे पहला कारण क्या हो सकता है, वायरस, वायरस हो सकता है। दूसरा कारण हो सकता है बैक्टीरिया। तीसरा कारण हो सकता है फंगस, दैट कॉज द साइनसाइटिस टू स्वेल एंड ब्लॉक। ये क्या कर देती है, साइनस को स्वेलिंग कर देती है साइनस में, या उसे क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है, उसे ब्लॉक कर देती है। तो ये कारण हो गए, सबसे पहला जो मेन कारण है, या तो वायरस, बैक्टीरिया या फिर फंगस, ये तीन मेन कारण हो सकते हैं। ये क्या कर देते हैं, साइनस को इन्फ्लामेशन कर देते हैं साइनस में, यानी स्वेलिंग कर देते हैं, या फिर क्या कर देते हैं, उसे ब्लॉक कर देते हैं। ब्लॉक कर देंगे तो फिर वहां पे क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा। फॉलोइंग आर फ्यू एग्जाम्पल स्पेसिफिक कॉज, इसका कुछ एग्जाम्पल है, फ्यू एग्जाम्पल। तो सबसे पहला कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड होने से बार बार में, है ना, तो हो सकता है। अगर जुखाम हो गया तो जुखाम होता है, फिर वो धीरे धीरे साइनसाइटिस का रूप ले लेता है, जुखाम होके धीरे धीरे साइनसाइटिस साइनस में इन्फ्लामेशन कर देता है। उसके बाद में नेजल एंड सीजनल एलर्जी, अगर कोई नेजल एलर्जी हो या कोई सीजनल एलर्जी हो, जैसे मौसमी की एलर्जी हो, जाने ज़्यादा सर्दी हो वहाँ पे, या फिर मतलब रेनी सीजन आ जाए उसके अंदर, तो सीजनल एलर्जी होती है वो, है ना, सीजन के अकॉर्डिंग उनको एलर्जी रहती है। सीजनल एलर्जी इंक्लूडिंग एलर्जी
टू मोल्ड, और मोल्ड से अगर एलर्जी हो इनसे, और मोल्ड से भी अगर एलर्जी हो उसके बाद में पॉलिप्स, उसके बाद में नेक्स्ट है पॉलिप्स, पॉलिप्स का विकास हो रहा हो और एक रीजन हो गया पॉलिप्स, इसकी ग्रोथ हो रही हो, उसके बाद में ए सेप्टम दैट इज डेविटेड, और सेप्टम कैसे हो, जो नेजल सेप्टम है, नेजल सेप्टम है वो डेविटेड हो, द सेप्टम इज नॉट स्ट्रेंथ एंड इज क्लोज क्लोजर टू द नेजल चैनल वन वन साइड ऑफ द नोज रिजल्टिंग एंड ऑब्स्ट्रक्शन। इसमें क्या होता है, जो सेप्टम है उन वो क्या है, वो डेविटेड हो तो उसके कारण भी एक रीजन होता है, तो सेप्टम इज नॉट स्ट्रेंथ एंड इज क्लोजर टू द नेजल चैनल वन साइड ऑफ द नोज रिजल्टिंग इज ऑब्स्ट्रक्शन। इसके कारण क्या हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, जो सेप्टम है वो सीधा नहीं होते, सीधे नहीं होते, नाक के एक तरफ नाक चैनल के करीब होता है, जिसके कारण क्या हो जाती है, नाक के एक तरफ ज्यादा करीब होने के कारण क्या हो जाती है, उसमें क्या हो जाती है, रुकावट आ जाती है, तो रुकावट आने के कारण क्या हो जाता है, वो साइनसाइटिस हो सकता है। उसके बाद में वीक, जिसका इम्यून सिस्टम वीक हो, जिसका क्या हो, इम्यून जो इम्यून सिस्टम है, ये इम्यून सिस्टम है वो ए वीक इम्यून सिस्टम फ्रॉम इलनेस और मेडिकेशन, और उनका जो इम्यून सिस्टम है वो वीक है तो उसके कारण भी जल्दी से इन्फेक्शन हो जाता है। उसके बाद में साइन एंड सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम क्या देखने को मिलेंगे, इसके अंदर क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे, तो साइन एंड सिम्टम है, लक्षण क्या है, इसके चिन्ह क्या है, तो सबसे पहला है सिम्टम्स, एनोसोमिया, एनोसोमिया सबसे पहला सिम्टम है, एनोसोमिया। इसके अंदर एनोसोमिया किसे कहते हैं, तो लॉस ऑफ स्मेल, स्मेल का क्या हो जाना, लॉस हो जाती है, पार्शियल या कंप्लीट रूप से स्मेल लॉस हो जाती है, कंप्लीट या पार्शियल रूप से क्या हो जाती है, स्मेल लॉस ऑफ स्मेल, एनोसोमिया मतलब होता है लॉस ऑफ स्मेल। उसके बाद में इसमें साइनसाइटिस होने के कारण क्या हो जाएगी, स्मेल पेशेंट को स्मेल नहीं आएगी, इसकी स्मेल लॉस हो जाएगी, उसे जो है, उसे जो है सुगंध नहीं आएगी, है ना, या फिर बदबू नहीं आएगी, उसे स्मेल का ही लॉस हो जाएगा। उसके बाद में फीवर हो सकता है, बुखार हो सकता है पेशेंट को, स्टफी और रनिंग नोज, नोज क्या हो सकता है, ब्लॉक हो सकता है या फिर नाक से पानी बह सकता है, ये मैंने पहले सिम्टम बता चुके हैं और ये सिम्टम देखने को मिलेंगे। हेडेक होगा, हेडेक होगा, हेडेक में फेशियल जो हेडेक है वो फेशियल पेन हो सकता है, साइनस प्रेशर के कारण हेडेक हो सकता है, फैटिग यानी थकान हो सकती है, कफ हो सकता है, खांसी आ सकती है, ये कुछ सिम्टम कुछ सिम्टम्स है, सॉरी कुछ सिम्टम है वो आएंगे, मतलब थकान हो सकती है, खांसी हो सकती है, नाक का बहना और ब्लॉक होना, ये कुछ सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, ये कुछ सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट है पेरेंट्स मे बी फाइंड इट डिफिकल्ट टू नोटिस द साइनस इन्फेक्शन, पेरेंट्स को डिफिकल्टी होती है साइनस के, जो है पेरेंट्स मे बी फाइंड डिफिकल्ट, डिफिकल्टी होती है साइनस के इन्फेक्शन को नोटिस करने के लिए, चिल्ड्रंस सिम्टम मे बी इन्फेक्शन इंक्लूड कोल्ड एलर्जिक, अगर ऐसे सिम्टम्स आए कोल्ड एलर्जी सिम्टम्स दैट डोंट इम्प्रूव देन 14 डेज तक, अगर
कोल्ड जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं, है ना, कोल्ड जैसे सिम्टम आ रहे हैं, कोल्ड हो गया, जुकाम हो गया, एलर्जी हो गई है और वो इम्प्रूव नहीं हो रही है 14 दिन तक, तो वो ऐसा इन्फेक्शन हो सकता है। उसके बाद में हाई फीवर अबाव कितने डिग्री, 102 डिग्री फेरनहाइट, है ना, 102 डिग्री फेरनहाइट, 102 डिग्री फेरनहाइट का फीवर हो, या फिर 39 डिग्री सेल्सियस फीवर हो, तो हो सकता है। तो बच्चों के अंदर जो सिम्टम्स है वो ऐसे देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद में थिक एंड डार्क म्यूकस कमिंग फ्रॉम द नोज, जो नाक से जो म्यूकस आएगा वो कैसा होगा, या तो डार्क होगा या थिक होगा, गाढ़ा होगा। थिक मतलब गाढ़ा या फिर गहरा, डार्क मतलब गहरा, गाढ़ा या गहरा हो सकता है। उसके बाद में एक कफ दैट लास्ट लॉन्गर देन 10 डेज, और कफ खांसी कितने दिन तक, 10 दिन तक आ सकती है। तो ये कुछ सिम्टम्स बच्चों के अंदर देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो जिन बच्चों के अंदर माता पिता को साइनसाइटिस के सिम्टम पता नहीं चलते, तो इस टाइप के सिम्टम्स आने पे पता लगा सकते हैं कि ये साइनसाइटिस के सिम्टम हो सकते हैं, तो डॉक्टर को चेक कराएं, ये वाले सिम्टम्स से आप पता लगा सकते हो, ठीक है। आप डायग्नोसिस कैसे करोगे, कैसे पता लगाओगे कि ये साइनसाइटिस है, डायग्नोसिस कैसे करोगे? डायग्नोसिस मतलब होता है निदान, हिंदी में निदान, उसका डायग्नोसिस कैसे करोगे, ठीक है। तो डायग्नोसिस करने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहला है इन ऑर्डर टू क्रिएट ए कंप्लीट मेडिकल हिस्ट्री, उसकी क्या लेंगे, कंप्लीट मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, हिस्ट्री लेके पता लगाएंगे कि उसके क्या क्या हिस्ट्री है, कंप्लीट मेडिकल हिस्ट्री, और उसके अंदर सिम्टम क्या क्या आ रहे हैं, एंड द आउट द सिम्टम्स, उसके अंदर सिम्टम क्या क्या है। द हेल्थ केयर प्रोवाइडर विल बी आस्क एडुकेट क्वेश्चन टू द पेशेंट, उसे क्वेश्चन पूछ के उसकी हिस्ट्री लेंगे, और उसके क्या पूछेंगे, सिम्टम कैसे आ रहे हैं, सिम्टम से और उसकी हिस्ट्री से पता लगाएंगे कि उसे साइनसाइटिस है कि नहीं। सबसे पहला ये हो गया डायग्नोसिस करने का तरीका। तो उसके बाद में नेक्स्ट है कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन, उसका क्या फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन के ऊपर क्लास ली हुई, कैसे फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं उससे पता लगा सकते हैं। उसके बाद में हेल्थ केयर प्रोवाइडर विल बी लुक फॉर एनी स्वेलिंग, उसकी क्या देखेंगे, अगर वहाँ पे कोई स्वेलिंग है नाक के आसपास में, है ना, तो कोई स्वेलिंग वगैरह है, ड्रेनेज या ब्लॉकेज, या तो ड्रेनेज हो रहा है या ब्लॉकेज इन द पेशेंट ईयर नोज एंड थ्रोट, इन किन के अंदर, नाक के अंदर, कान के अंदर और या गले के अंदर कोई ब्लॉकेज टाइप का हो रहा है या कोई ड्रेनेज हो रहा है, तो उसका पता लगाएंगे, है ना, तो इससे डायग्नोस कर सकते हैं ड्रेनेज ब्लॉकेज, है ना, तो ड्रेनेज एंड ब्लॉकेज इन द पेशेंट ईयर नोज एंड थ्रोट। फिर है टू एग्जामाइन द एंटीरियर ऑफ द नोज, टू एग्जामाइन टू एंटीरियर ऑफ द नोज एंड एंडोस्कोप मे बी यूटिलाइज, अगर आप एंडोस्कोप के द्वारा भी पता लगा सकते हैं। एंडोस्कोप जो है ये विजुअलाइज करता है, नोक के एंटीरियर साइड को विजुअलाइज करके देख सकते हैं, वहाँ से कैमरा डाल के वहाँ उस एरिया को देख के पता लगा सकते हैं कि वहाँ पे कुछ ब्लॉकेज वगैरह है कि एंटीरियर ऑफ द नोज। फिर है मेडिकल मैनेजमेंट, अब है मेडिकल मैनेजमेंट क्या करोगे, अगर साइनसाइटिस हो गया तो मेडिकल मैनेजमेंट क्या करेंगे, तो मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर नेजल कॉर्टिकोस्टेरॉइड, सबसे पहला मेडिकल मैनेजमेंट है उसे क्या देंगे, नेजल कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी देंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स आती है। दीज नेजल स्प्रे आर यूजफुल फॉर प्रिवेंटिंग एंड ट्रीटिंग इन्फ्लामेशन, जो ये नेजल स्प्रे आते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड नेजल स्प्रे आते हैं, ये क्या करते हैं, ये प्रिवेंटिंग एंड ट्रीटिंग ट्रीट करते हैं इन्फ्लामेशन को, इन्फ्लामेशन हो गया है साइनस के अंदर, उसको ट्रीट करने के लिए
क्या नेजल स्प्रे दिए जाते हैं, किसके दिए जाते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड के नेजल स्प्रे दिए जाते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से हो सकते हैं, तो वो सबसे पहला है फ्लुटिकासोन नेजल स्प्रे है, फ्लुटिकासोन और ट्राइएमिसिनोलोन और बुडेसोनाइड और मोमेटासोन और बेक्लोमेथासोन आर एग्जाम्पल, ये इसके एग्जाम्पल है, बेक्लोमेथासोन, मोमेटासोन, बुडेसोनाइड और ट्राई मेसलोन, ये इस टाइप के क्या है, इसके एग्जाम्पल है, ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड के एग्जाम्पल है, नेक्स्ट है द डॉक्टर शुड बी सजेस्ट रेंसिंग विद द सलाइन सॉल्यूशन कंटेनिंग बुडेसोनाइड ड्रॉप एंड स्प्रे द सॉल्यूशन इन द नोज। डॉक्टर क्या कर सकता है, सजेस्ट कर सकता है किसके लिए, बुडेसोनाइड के लिए। बुडेसोनाइड ड्रॉप के लिए और सलाइन के लिए नाक में घोल का स्प्रे डालें, इसमें क्या करें, नाक में स्प्रे डालें, फ्लुटिकासोन, ट्राइमिसिनोलोन, बुडेसोनाइड, मेमेटासोन, बेक्लोमेथासोन, ये इसके एग्जाम्पल है, और इसके अंदर ये बुडेसोनाइड ड्रॉप वगैरह डाल के, स्प्रे वगैरह डाल के भी इसे ट्रीट किया जा सकता है। उसके बाद में है सलाइन नेजल इरिगेशन, सलाइन से नेजल इरिगेशन करके भी साइनसाइटिस को ट्रीट किया जा सकता है। इट डिक्रीज ड्रेनेज, ड्रेनेज को कम करने के लिए ये किया जा सकता है। इट डिक्रीज ड्रेनेज एंड राइन्स वे इरिटेंट एंड एलर्जिक विद द नेजल स्प्रे और सॉल्यूशन। इससे क्या करना चाहिए, एलर्जिक विथ नेजल स्प्रे और सॉल्यूशन से नेजल ड्रेन इरिगेशन करके, सॉरी सलाइन नेजल इरिगेशन करके भी इसको क्या कर सकते हैं, ट्रीट किया जा सकता है। सलाइन नेजल इरिगेशन करके भी इसे ट्रीट किया जा सकता है। ये क्या करेगा, ये इसके बहाव को कम करेगा, ड्रेनेज जो हो रहा है उसके बहाव को कम करेगा, और क्या करेगा, नाक में स्प्रे के साथ में ये क्या करता है, अगर स्प्रे वगैरह करते हैं तो एलर्जी की, नाक की जो एलर्जी है उसको कम कर देगा, ठीक है, उसको कम कर देगा। ओरल इंजेक्शन कॉर्टिकोस्टेरॉइड, कॉर्टिकोस्टेरॉइड ये तो हो गए स्प्रे के रूप में, अब है ओरल रूप में, टेबलेट के रूप में दे सकते हैं, इंजेक्शन के रूप में दे सकते हैं या फिर क्या दे सकते हैं, टैबलेट के रूप में दे सकते हैं। दीज ड्रग्स आर यूज टू ट्रीट सीवियर साइनसाइटिस इन्फ्लामेशन। अगर किसी को सीवियर साइनसाइटिस है, इन्फ्लामेशन हो गया, तो वो ड्रग ओरल टैबलेट या फिर इंजेक्शन के रूप में देके उसे ट्रीट किया जा सकता है। स्पेशली इफ द पेशेंट इज ऑल्सो नेजल पॉलिप्स, अगर उसे नेजल पॉलिप्स हो गया उसके कारण उसे टैबलेट वगैरह इंजेक्शन वगैरह देना, बिकॉज लॉन्ग टर्म यूज ऑफ ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड माइट हैव बी सब्सटेंट नेगेटिव इफेक्ट। अगर ज़्यादा टाइम तक अगर कोई ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज करता है तो उसे नेगेटिव इफेक्ट आते हैं। दे आर ओनली यूज ट्रीट विद सीवियर सिम्टम, और उसे अगर सीवियर सिम्टम है तभी इसका यूज करना चाहिए, ठीक है, अगर सीवियर सिम्टम आए तभी यूज करना चाहिए, अगर नॉर्मल सिम्टम में इसका यूज नहीं करना चाहिए। उसके बाद में एलर्जिक मेडिसिन, द डॉक्टर शुड बी प्रिस्क्राइब एलर्जिक ड्रग्स, जो एलर्जिक ड्रग्स है वो देनी चाहिए। इफ द एलर्जी आज कॉज बाय द
सेंसाइटिस, अगर एलर्जी की वजह से हो रहा है तो उसे एलर्जी ड्रग देके ट्रीट किया जाना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट है एस्प्रिन, एस्प्रिन डिसेंट एस्प्रिन डिसेंटिसेशन ट्रीटमेंट, एस्प्रिन डिसेंसिटेशन ट्रीटमेंट, एस्प्रिन डिसेंसिटेशन ट्रीटमेंट, इट इज परफॉर्म इफ पेशेंट हैव एस्प्रिन रिएक्शन। अगर ये कब किया जाता है एस्प्रिन डिसेंटिसेशन ट्रीटमेंट, ये कब किया जाता है, इसको हिंदी में बोलते हैं असंवेदीकरण, इसको हिंदी में असंवेदीकरण बोलते हैं, डिसेंसिटेशन को बोलते हैं असंवेदीकरण। इट इज परफॉर्म इफ पेशेंट हैव एस्प्रिन रिएक्शन, अगर पेशेंट को एस्प्रिन की रिएक्शन हो तब ये परफॉर्म किया जाता है। अगर पेशेंट को एस्प्रिन, एस्प्रिन जो टेबलेट होती है जो ब्लड को पतला भी करती है, और तो उसकी अगर रिएक्शन हो तो इंड्यूस साइनसाइटिस एंड नेजल पॉलिप्स, तब ये किया जाता है। टू इंक्रीज टॉलरेंस द पेशेंट इज ग्रेजुअली गिवन हाई डोजेज ऑफ एस्प्रिन अंडर द मेडिकल सुपरविजन। अगर पेशेंट को हाई डोजेज एस्प्रिन दी जा रही है तो उसे क्या करना चाहिए, तो धीरे धीरे क्या करनी चाहिए, उसकी डोजेज जो है एस्प्रिन की वो बढ़ानी चाहिए धीरे धीरे उसकी डोजेज, वो भी किसके सुपरविजन में, डॉक्टर के सुपरविजन में धीरे धीरे उसकी एस्प्रिन की डोज बढ़ा के उसे ट्रीट किया जा सकता है। उसके बाद में एंटी फंगल ट्रीटमेंट, अगर कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया है तो एंटी फंगल मेडिसिन दे के उसे ट्रीट किया जा सकता है। एंटी फंगल ट्रीटमेंट, तो द डॉक्टर प्रस्क्राइब एंटी फंगल ट्रीटमेंट इफ द इन्फेक्शन कॉज बाय द फंगाई, अगर आप फंगाई की वजह से, कवक की वजह से इन्फेक्शन हो गया तो उसे एंटी फंगल ट्रीटमेंट देना चाहिए। मेडिसिन, उसके बाद में मेडिकेशन टू ट्रीट विद नेजल पॉलिप्स एंड क्रोनिक सिनुसाइटिस, अगर क्रोनिक सिनुसाइटिस हो गया या नेजल पॉलिप्स हो गया तो उसे क्या करना चाहिए, तो डॉक्टर शुड बी प्रिस्क्राइब ए डुपिलोरम और डुपिलुमेब डुपिलुमेब या फिर दूसरी जो ड्रग्स है वो है ओमालीजुमेब और डुपिलुमेब, थोड़े नाम टफ है। तो पहली जो टेबलेट्स है वो, जो ड्रग्स है वो है डुपिलुमेब और ओमालीजुमेब टू द पेशेंट हैविंग नेजल पॉलिप्स, अगर पेशेंट को नेजल पॉलिप्स है तो ये वाली ड्रग्स दे सकते हैं, ये वाली मेडिसिन दे सकते हैं। पर्सिस्टेंट सिनुसाइटिस टू रिड्यूस द साइज ऑफ नेजल पॉलिप्स, और ये क्या करेगी, नेजल पॉलिप्स की साइज को कम करेगी, रिलीफ कंजेक्शन और जो कंजेक्शन हो गया उसे भी कम करेगी। अब है एंटीबायोटिक्स, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक देते हैं, तो इफ इन्फेक्शन इज कॉज बाय बैक्टीरिया, अगर बैक्टीरिया की वजह से ये इन्फेक्शन हो गया तो उसे क्या देंगे, एंटीबायोटिक देंगे। एंटीबायोटिक में भी रिक्वायर्ड इफ डॉक्टर कैन नॉट बी रूल आउट एन इन्फेक्शन, अगर उसमें एंटीबायोटिक की जरूरत होती है और डॉक्टर कैन नॉट बी रूल आउट इन इन्फेक्शन, एंड एंटीबायोटिक कंबाइंड विद द अदर ट्रीटमेंट में भी प्रेस्क्राइब, और दूसरे ट्रीटमेंट के साथ भी एंटीबायोटिक को दे सकते हैं डॉक्टर जो है वो, दूसरे एंटीबायोटिक दूसरे ड्रग्स के साथ भी एंटीबायोटिक दे सकते हैं। उसके बाद में इम्यूनोथेरेपी दे सकते हैं पेशेंट को, अगर कोई एलर्जी वगैरह की वजह से हो सकता है तो इम्यूनोथेरेपी देनी चाहिए। इम्यूनोथेरेपी इफ एलर्जी आर फैक्टर इन सिनुसाइटिस, अगर कोई एलर्जी की वजह से होता है, एलर्जिक शॉट दैट हेल्प टू लेसन बॉडी रिएक्शन ऑफ सर्टेन एलर्जन मे बी हेल्प,
आप क्या करना चाहिए, कोई एलर्जी वगैरह हो गया तो उसके कारण इम्यूनोथेरेपी देके भी उसे ठीक कर सकता है। अगर इम्यूनिटी वीक है पेशेंट की, बार बार में सिनुसाइटिस हो रहा है, तो उसके कारण ये देना चाहिए। अब है नर्सिंग मैनेजमेंट, क्या करना चाहिए नर्सिंग मैनेजमेंट, एज ए नर्स उसका मैनेजमेंट क्या करना चाहिए। ये तो था मेडिकल मैनेजमेंट जो अलग अलग ड्रग्स के रूप में दिया जाता है, अब नर्स के रूप में इसका मैनेजमेंट क्या क्या करना चाहिए। तो पहला है द पेशेंट विथ एक्यूट सिनुसाइटिस इज जनरली नर्स जनरली नर्स एट होम। पेशेंट विद एक्यूट सिनुसाइटिस इज जनरली नर्स एट होम, घर पे क्या करना चाहिए, अगर एक्यूट सिनुसाइटिस हो गया है तो उसे घर पे ट्रीट किया जा सकता है, क्या उसे घर पे ट्रीट किया जा सकता है। द नर्स शुड एडवाइज, सिनुसाइटिस में सर्जरी भी होती है, सिनुसाइटिस में अंदर क्या हो सकती है एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी भी होती है, इसके अंदर अगर दूसरा ट्रीटमेंट है, अगर कुछ कंडीशन के अंदर सर्जरी भी हो सकती है, सर्जरी भी होती है, तो इसके अंदर एंडोस्कोपिक एंडोस्कोपिक साइनस एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी होती है, एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी होती है, एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी होती है, इसके द्वारा भी इसे ट्रीट किया जा सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट है द नर्स शुड बी एडवाइज द पेशेंट टू टेक रेस्ट। इसमें क्या करना चाहिए, नर्स को पेशेंट को एडवाइस देना चाहिए कि प्रॉपर रेस्ट करे, बेड पर प्रॉपर रेस्ट करे, टू ड्रिंक सफिशियंट फ्लूड और अच्छे से पानी पिए, ड्रिंक सफिशियंट फ्लूड जो है वो अच्छे से ले, टू टेक मॉडरेट एनाल्जेसिक लाइक पैरासीटामोल, और कभी भी जो है एनाल्जेसिक जो है पेन किलर जो है वो मॉडरेट पेन किलर लेनी चाहिए, जो पैरासीटामोल वगैरह होती है जो पेन को कम करती है, टू सेल्फ एडमिनिस्ट्रेट एनी प्रेस्क्राइब्ड नेजल ड्रॉप एंड स्प्रे, और जो नेजल ड्रॉप और स्प्रे प्रेस्क्राइब किए हुए हैं वो लेने चाहिए, अपने आप ले सकते हैं। तो ये एक्यूट के अंदर ये ऐसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, एक्यूट अगर सिनुसाइटिस हो गया तो उसके अंदर ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सी शुड बी प्रोवाइड ओरल हाइजीन बिकॉज ऑफ द नेजल ऑब्स्ट्रक्शन और इंडिविजुअल विल मोस्ट लाइकली बी ब्रीदिंग थ्रू देयर माउथ। तो क्या है, ओरल हाइजीन हमेशा मेंटेन रखनी चाहिए, माउथ केयर हमेशा मेंटेन रखनी चाहिए, क्योंकि नेजल कॉन्स्ट्रक्शन यानी नाक बंद हो जाने के कारण पेशेंट को क्या है मुंह से सांस लेता है, मुंह से सांस लेता है तो वहां से स्मेल वगैरह आएगी, तो इसलिए ओरल हाइजीन वगैरह मेंटेन रखें, है ना, तो और भी ज्यादा इन्फेक्शन ना फैले। उसके बाद में इनहेल मोस्ट स्टीम कैन बी आल्सो प्रोवाइड रिलीफ एंड एड विद द लूजिंग एंड क्रशिंग द नेजल कैनाल्स, और जो मॉइस्ट स्टीम है उसका इनहेलेशन करना चाहिए, मॉइस्ट यानी जो मॉइस्ट भाप है, जो नम भाप है उसको अंदर लेना चाहिए, इनहेल करना चाहिए, उसे इनहेल करना चाहिए, उससे भी क्या आराम मिलेगा, नेजल कॉन्स्ट्रक्शन वगैरह हो गया है तो उसके अंदर आराम मिलेगा। सी शुड ऑफर साइनस रेंज टू ब्रिंग सम रिलीफ विच कैन बी ऑब्टेन अदर काउंटर। सी शुड बी ऑफर साइनस रेंज टू ब्रिंग सम रिलीफ विच कैन बी ऑब्टेन ओवर द काउंटर। अगर कुछ राह देने के लिए क्या करना चाहिए, बार बार में उसे धोना चाहिए, रिलीफ पाने के लिए उसे धोके भी नाक को धोके भी थोड़ा रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट है सी शुड इंश्योर दैट द पेशेंट इज वेयरिंग a towel over his head and leaning over the basins of hot water to breathe and steam in through their nose and out through the mouth। तो ये हमेशा इंश्योर रहना चाहिए, सुनिश्चित रहना चाहिए कि पेशेंट ने क्या वेयर किया, पहना है, सुनिश्चित करना चाहिए कि अपने सिर पर एक तौलिया पहने हुए हैं,
वेयर द टॉवल, सर पर क्या है तौलिया पहना हुआ है, वेयर द टॉवल्स एंड हेड लीनिंग ओवर द बेसिंस ऑफ हॉट वाटर, तौलिया पहना हुआ है, गर्म पानी के एक बेसिन पर झुक गया है और भाप को अपनी नाक के अंदर, भाप को अपने नाक से और अपने माउथ से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। तो कुछ पेशेंट होते हैं जो तौलिया ऊपर ढक के और क्या करना है उसकी जो भाप निकल रही है तो इनहेल करने के लिए जो गर्म भाप निकली उसको नाक से और माउथ से लेना है, इनहेल करना है, जिससे क्या है साइनस ब्लॉक हुए हैं तो उससे खुल जाएंगे, जो साइनस ब्लॉक वगैरह हुए हैं तो उससे खुल जाएंगे। टॉवल सर पर रख के हॉट वाटर को ब्रीथ करना है, स्टीम लेनी है, उसकी भाप लेनी है, स्टीम लेनी है, टॉवल वगैरह ढक के, तो उससे क्या होगा साइनस का ब्लॉकेज वगैरह हुआ है तो वो खुल जाएगा, उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। उसके बाद में सी शुड बी इंश्योर दैट पेशेंट इज ब्लोइंग द नोज टू एक्सपेल म्यूकस, और पेशेंट को इंश्योर कराना है कि बलगम को बाहर निकालने के लिए अपनी नाक को, जो नाक से जो फ्लूड है उसको बाहर निकालने के लिए उसे ब्लोइंग करना है, ब्लोइंग करके नाक से क्या करना है, ब्लोइंग करके नाक से म्यूकस को बाहर निकालना है, जो नाक में म्यूकस वगैरह है उसे ब्लोइंग करके बाहर निकालना है, जिससे कि ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह हो रहा है तो रिलीफ मिलेगा। सी शुड बी इंश्योर दैट द हॉट वाटर इज पुट ऑन फ्रीम सरफेस टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ बर्निंग, और जो गर्म पानी है हॉट वाटर है वो थोड़ा सा डालना है, ठीक है, थोड़ा गर्म पानी बोले तो ज्यादा गर्म पानी नहीं तो वो क्या करेगी जो ठोस जगह है उसे नम कर देगी। सी शुड बी इंश्योर दैट बी हॉट वाटर पुट ऑन फ्रीम सरफेस टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ बर्निंग, उसे जलन वगैरह हो रही है वो कम हो जाएगी, जो नाक में जलन वगैरह हो रही है वो कम हो जाएगी। अब क्रोनिक के अंदर क्या करते हैं, ये तो था एक्यूट के अंदर, द नर्स शुड बी प्रिपेयर द पेशेंट फॉर सर्जरी, अगर ज़्यादा क्रोनिक कंडीशन हो गई है तो उसे सर्जरी के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, सर्जरी के लिए ऑपरेशन के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। ऑब्जर्व फॉर एनी पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन, और कॉम्प्लिकेशन कोई भी पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन है, जटिलताएं हैं वो देखनी चाहिए, जैसे क्या हो सकता है हैमरेज हो सकता है और इन्फेक्शन हो सकता है, ये कंडीशन रहता है। सी शुड बी रिमूव नेजल पैकिंग, अगर नेजल पैकिंग की हुई है, नाक को पैकिंग किया हुआ है तो उसे रिमूव कर देना चाहिए, डायरेक्टेड बाय द सर्जन, सर्जन के द्वारा निकाल देना चाहिए। सी शुड बी प्रोवाइड द प्रेस्क्राइब एनाल्जेसिक्स एंड एंटीबायोटिक्स, और जो एंटीबायोटिक्स और एनाल्जेसिक पेन किलर टेबलेट दी है उसे दे देनी चाहिए। सी शुड बी इंस्ट्रक्ट द पेशेंट विद द करेक्ट मेथड फॉर अप्लाइंग नेजल ड्रॉप, और उसे बताना चाहिए कैसे नेजल ड्रॉप डालनी है, नेजल स्प्रे डालना है, एज वेल एज इम्पोर्टेंस ऑफ साइनस राइज टू स्टीम इनहेलेशन, और स्टीम इनहेलेशन और ये सब के बारे में, ठीक है, साइनस ब्रीथिंग और स्टीम इनहेलेशन के बारे में बताना चाहिए, महत्व के बारे में बताना चाहिए, नाक में ड्रॉप डालने की सही विधि वगैरह ये बतानी चाहिए, और स्टीम इनहेलेशन के बारे में बताना चाहिए कैसे लेना है। तो ये आज का टॉपिक था साइनसाइटिस क्या होता है, साइनस के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना साइनसाइटिस कहलाता है। तो ये आज का टॉपिक था साइनसाइटिस, तो साइनस के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना क्या कहलाता है, साइनसाइटिस कहलाता है। तो मैंने सबसे पहले बताया था ये बॉडी के अंदर जो साइनस होते हैं इनके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना क्या कहलाता है, साइनसाइटिस कहलाता है। चार साइनस हैं, चार जो कैविटीज हैं उसके अंदर इन्फ्लामेशन आ जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, तो वो क्या कंडीशन कहलाती है, साइनसाइटिस कहलाती है। ये चार टाइप की होती है, ये मैं पढ़ा चुका हूँ, और इसका कैसे मेडिकल ट्रीटमेंट किया जाता है, कैसे सर्जिकल ट्रीटमेंट किया जाता है, और कैसे नर्सिंग मैनेजमेंट किया जाता है, और कैसे इसे डायग्नोस करोगे, ये सब पढ़ा चुका हूँ। तो थैंक यू सो मच, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू सो मच।